We have is a sense of urgency, and it's important. हमें सब कुछ बहुत जल्द करना है क्योंकि सारे मामले में हम वक्त से भी बरसरे पैकार हैं. अगर अप्रैल तक हम हालात पर काबू नहीं पा सके तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. हम सबको मालूम है कि फरवरी और मार्च बहुत अहम है. अगर हम नए रास्ते नहीं बना सके तो बेअमली के जो गैर इरादी नतीजे होंगे वो सबको महंगे पड़ेंगे. और द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएक्शन वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर ऑल ऑफ अस. व्हाट कुड अनफोल्ड अफगानिस्तान में और क्या हो सकता है? वहाँ तो हालात पहले ही बहुत तारीख और ख़राब है. ये बात दुरुस्त है. हमें अपनी बका की जंग ही लड़नी है. अप्रैल में अगर बातचीत नहीं हुई तो क्या होगा? It would have consequences for others. दूसरे लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा. इस तनाज़े में दो फरीक हैं. अफगानिस्तान की शोरिश बड़ी जंग का एक हिस्सा है. पाकिस्तान भी जंग की हालत में है. And you need to cover this. Daily, the Pakistani army, after its... पाकिस्तान में आर्मी एक्ट में तरमीम और शिद्दत पसंदी के खिलाफ इसके नेशनल एक्शन प्लान के तहत ताकत का इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन चूंकि मसाइल एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि सिर्फ एक मुल्क में ताकत के इस्तेमाल से काम नहीं चलेगा. It cannot be solved by use of force in one country. आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? बातचीत और अहद. आपने इस बात पर गुस्से का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने मुल्क में मौजूद तालिबान ग्रुपों के खिलाफ जिन्होंने अफगानिस्तान में हमले किए हैं कार्रवाई करने का जो वादा किया था उसमें कोई पेशरफ नहीं दिखाई है. गुस्सा करना मेरी शख्सियत में शामिल नहीं है. हमें बाहमी मफादात को ध्यान में रखते हुए सोचना होगा क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे तो फिर सब लोग गुस्से के बारे में ही बात करेंगे. हम बुनियादी उसूल बातचीत और बाहमी मफाद पर जोर दे रहे हैं लेकिन एक मुश्किल ये भी होती है कि कोई चीज़ तयशुदा नहीं होती है. हुकूमतें भी ऐसा ही रवैया अख्तियार करती हैं जैसे उनके नॉन स्टेट एक्टर्स. ये रवैया बदलना होगा. पाकिस्तान का कहना है कि आपकी जानिब से भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए. जनरल राहील शरीफ का कहना है कि चार सदा हमले के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान का हाथ है. इन तालिबान को वहाँ भेजा किसने है? ये वो ग्रुप हैं जो पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान आ गए हैं. पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन का एक गैर इरादी नतीजा ये हुआ है कि उसने शिद्दत पसंदों के ग्रुपों को कहीं और मुंतकिल कर दिया है. of terrorist groups.